दोस्तों देखिए, अगर आप एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर्स है और आपने आपके चैनल पर काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके होंगे। दोस्तों देखिए, एक नया यूट्यूबर के लिए यूट्यूब पर कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन, कैसे थंबनेल बनाना है, ये सब को मतलब पता होने के लिए लगभग 1 से 1.5 साल लग जाता है। और सबसे पहले नया यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद नया क्रिएटर्स ने यह गलती करता है कि YouTube पर वीडियो सर्च करने लगता है कि आखिर YouTube पर सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाया जाता है, वॉच टाइम कैसे बढ़ाया जाता है। तो सबसे बड़ी गलती यह आपकी होता है और इसलिए आपके चैनल जो है आप ग्रो नहीं कर पाते हो। दोस्तों मैं एक बार नहीं, मैं कितने वीडियो पर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि सब्सक्राइब बढ़ाने के पीछे आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देखिए, यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे यूट्यूबर हैं जिस तरीके से आपको बताते हैं कि आप इसी तरह काम कीजिए और आपके चैनल पर एक दिन में आप 500 सब्सक्राइबर्स इनक्रीज कर सकते हो, एक दिन में आप 100 सब्सक्राइबर्स इनक्रीज कर सकते हो, एक दिन में या एक मिनट में आप 5 सब्सक्राइबर्स इनक्रीज कर सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। दोस्तों देखिए, आपके चैनल पर आप जो भी ज़बरदस्त सब्सक्राइबर्स आप करवाएंगे, ये आपके लिए बिल्कुल गलत साबित होता है। इसलिए दोस्तों आप क्या करना है, दोस्तों सबसे पहले ये आपको सोचना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आखिर आप YouTube पर आया क्यों। तो दोस्तों इसके जो सवाल होता है, सवाल के जवाब होता है कि आप थोड़ा बहुत YouTube से पैसा कमाने के लिए आपने एक चैनल ओपन किया है, ये बिल्कुल सोच बात होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम आपके चैनल पर आप सब्सक्राइबर जो है बाय करते हो, या दोस्तों आप किसी भी हालत में आपके चैनल पर आप 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हो, तो दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात यह होता है, सबसे बड़े रीज़न ये होता है कि दोस्तों देखिए, अगर आपके चैनल पर आपने 1000 सब्सक्राइबर्स किसी भी हालत में कंप्लीट करवाया है और उसके बाद दोस्तों जब आपके चैनल मोनेटाइजेशन क्या है, आपने जब मोनेटाइजेशन एक्सेप्ट होता है उसके बाद दोस्तों आप जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएंगे। तो दोस्तों आप भी एक बार ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आपने जो 1000 सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर कंप्लीट किया है, उस सब्सक्राइबर से अगर मोनेटाइज के बाद आपके वीडियो पर वॉच नहीं करता है, तो दोस्तों आपके सब्सक्राइबर्स जो आपने कंप्लीट किया है इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या मतलब होता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले मैं तो आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप एक न्यू क्रिएटर्स है तो आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के पीछे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। वॉच टाइम जो भी है 4000 घंटा कंप्लीट करना होता है, तो ये कंप्लीट करने के पीछे आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप सवाल करते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है। दोस्तों मैं आपसे बताता हूँ कि आप किस तरह ये कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपको इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप कैसे ये कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी सवाल होता है और हर एक न्यू यूट्यूबर्स के मन में ये सवाल होता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा पब्लिक वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है। दोस्तों ये दोनों चीज़ जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगी, ये सब क्रिएटर्स की मन में ये सवाल होता है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तब तक हम यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात होता है। लेकिन दोस्तों देखिए, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपको यूट्यूब पर वीडियो वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ कैसे एक वीडियो पर सेट करना है, ये आपको सीखने की ज़रूरत है। और आपके चैनल पर छोटे और बड़े सेटिंग्स होते हैं, तो कुछ सेटिंग्स होते हैं जो सेटिंग्स अगर आप नहीं करते हो तो आपके चैनल की जो भी वीडियो हैं वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है, यानी कि यूट्यूब ने इम्प्रेशंस नहीं देता है इस सेटिंग्स के कारण। तो दोस्तों इस सबसे बड़ी जो सवाल है कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि दोस्तों देखिए, अगर आपकी वीडियो पर, आपके कंटेंट पर आपकी दम नहीं है, तो दोस्तों आप डेफिनेटली आपके चैनल जो है आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप गलत तरीके से आपके चैनल पर आप सब्सक्राइबर्स इनक्रीज करोगी, तो दोस्तों जब आप मोनेटाइजेशन करोगी तब दोस्तों क्या होता है कि आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है और दोस्तों 1-2 व्यूज़ से YouTube ने आपको पैसा नहीं देता है। दोस्तों लगभग लगभग
2000 से 4000 तक एक डॉलर के लिए व्यूज आना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपको एक डॉलर प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं कि 4 से 5 व्यूज में से आपको बिल्कुल पैसा नहीं देता है, यानी कि 100 व्यूज में से या 200 या 500 व्यूज से आपको बिल्कुल पैसा नहीं दिया जाता है। दोस्तों लगभग 2000 से 4000 तक व्यूज आना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपको अगर आपके कंटेंट मतलब वैल्यूएबल है, जेन्युइन कंटेंट है, तो आपको दोस्तों एक डॉलर के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं ये बात कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आपके चैनल पर आप गलत तरीके से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो दोस्तों ये जो भी आपने कंप्लीट किया है, ये आप ज़बरदस्त आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज किया है। इसलिए दोस्तों जब आपके चैनल पर वीडियो अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि आपने पहले से ज़बरदस्त सब्सक्राइबर्स गेन किया है, इसलिए दोस्तों जो भी सब्सक्राइबर्स आपने इंक्रीज़ किया है, ये सब्सक्राइबर्स आपके वीडियो वॉच नहीं करता है, और आपने तो उसी सब्सक्राइबर्स के हिसाब से आप आपके चैनल पर वीडियो अपलोड करते हो कि मैंने जब वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद मेरी तो सब्सक्राइबर्स कुछ ना कुछ है, तो ये सब्सक्राइबर्स लोग मेरी वीडियो देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपकी जो वीडियो है वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने ज़बरदस्त सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ किया है। इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है कि आप सही रास्ता ये है कि YouTube पर अगर आप थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हो, तो YouTube की जो रियलिटी है मैं आपसे बताता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप आपके चैनल पर खुद ही काम करना शुरू कीजिए। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे पॉइंट नंबर 1 आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो की जो टाइटल है, टैग है, डिस्क्रिप्शन है और थंबनेल है और चैनल की जो सेटिंग्स है, ये चीज़ आपको कर लेना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों एक HD क्वालिटी थंबनेल आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और थर्ड जो है दोस्तों, अगर आपके वीडियो पर क्वालिटी नहीं है तो आपकी वीडियो पर क्वालिटी आना चाहिए, तो अब दोस्तों आपकी जो चैनल है ऑडियंस खुद ही सब्सक्राइब करता है। और दोस्तों और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों छोटे और बड़े चैनल की कोई बात नहीं है। दोस्तों देखिए, जब ऑडियंस आपके वीडियो पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स कितना है ऑडियंस देख पाएंगे, उससे पहले दोस्तों ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स कितना है। तो दोस्तों देखिए, एक सब्सक्राइबर्स या दो सब्सक्राइबर्स या 100 या 200 सब्सक्राइबर्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके कंटेंट पर दम होता है तो कोई ना कोई आपके चैनल जरूर सब्सक्राइब करता है, क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि इस चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है। अगर दोस्तों आपने जो टॉपिक आप सिलेक्ट करते हो या टॉपिक की वैल्यू मार्केट में नहीं है, मान लीजिए यूट्यूब पर वैल्यू नहीं है और आपने इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, तो आपके टॉपिक का जो डिमांड है बिल्कुल ज़ीरो होता है और जो भी बंदा आपकी वीडियो वॉच करता है आपके चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है। इसलिए दोस्तों जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करते हो वीडियो बनाने से पहले, ये आपको सोच समझ के ये टॉपिक सिलेक्ट करना है कि इस टॉपिक की डिमांड YouTube पर है या नहीं। अगर नहीं है तो दोस्तों आप एक न्यू क्रिएटर से ये टॉपिक आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक साबित ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आप एक न्यू क्रिएटर से और आपके चैनल पर जब आप ये वीडियो अपलोड करोगी, अपलोड करने के बाद दोस्तों होता क्या है कि आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आएंगे, और इसलिए आपके चैनल पर जो भी वीडियो आप अपलोड करते हो तो वीडियो की एक क्वांटिटी होता है कि आपने आपके चैनल पर 50 वीडियो अपलोड किया है, तो दोस्तों एक एक क्वांटिटी बढ़ जाता है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी वीडियो अपलोड करेंगे बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक या पॉपुलर टॉपिक देख देख कर आपके चैनल पर वीडियो अपलोड करना है, और जो भी आप टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना है बिल्कुल सही तरीके से SEO करना है, उसके बाद दोस्तों आपके चैनल पर वीडियो अपलोड करना है। और दोस्तों मैं पर्सनली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल ग्रो करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो सर्च नहीं करना है। तो दोस्तों यूट्यूब पर वही सर्च करना है जो टॉपिक आप जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हो, वही आप सर्च करके देखना है कि यूट्यूब पर डिमांड है या नहीं। ये भी आप सर्च कर सकते हो, और सर्च करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है। तो आप सर्च करके आपके टॉपिक आप फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आपके चैनल पर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक बात आपके मन में सवाल होता है कि आप एक न्यू क्रिएटर से, ये आपको बिल्कुल गलत सोच होता है, क्योंकि मेरा और एक चैनल है जिसका नाम है डिजिटल शाहिद पॉइंट। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि सच में मेरा और एक चैनल है या नहीं।
दोस्तों मैंने इसलिए ये चैनल ओपन किया है, जैसे कि दोस्तों मुझे लग रहा है कि काफ़ी नया यूट्यूबर्स यूट्यूब पर आया है और यूट्यूब पर आने के बाद यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी गलत यूट्यूबर है और गलत रास्ता नया यूट्यूबर्स को बताते हैं। और इसलिए जो नया क्रिएटर्स है, नया क्रिएटर सबसे पहले ये मतलब पागलपन हो जाते हैं कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाना है, वॉच टाइम कैसे कम्प्लीट करना है, तो इसका पीछे प्लीज़ नहीं पढ़ना है, खुद ही काम करना है, खुद ही दिमाग को इस्तेमाल करना है। और उसके बाद दोस्तों आप एक दिन देख सकते हैं कि आप एक दिन सफलतापूर्वक आप एक यूट्यूबर बन सकते हो। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, इस चैनल में नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।